हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीएसएस के कुछ अमेजिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। इजी वे में अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटी हैंडल करना सिखाऊंगा। अगर आप सीएसएस जानते हो फिर भी इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो। जरा देखिए, डिव का विड्थ डिफाइंड है, हाइट डिफाइंड है और बैकग्राउंड कलर डिफाइंड है। कॉन्टेंट इसे ओवरलैप कर रहा है। मैं चाहता हूँ कॉन्टेंट के अनुसार इस डिव का विड्थ अरेंज हो जाए, तो सिंपली मैं विड्थ का वैल्यू डिफाइन कर दूंगा फिर हाइफन कंटेंट। तो इस डिव के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे उसके अनुसार जितनी विड्थ की आवश्यकता होनी चाहिए ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। मैं रन करता हूँ, ये देखिए अरेंज हो गया। हाइट के बारे में आप जानते होंगे, अगर आपको हाइट कॉन्टेंट के अनुसार अरेंज करनी है तो सिंपली आप वैल्यू डिफाइन कर दो ऑटो। अभी अगर मैं रन करूंगा तो हाइट और विड्थ उतनी ही होंगी जितनी आवश्यकता होंगी डिव में। अब जानिए कि वेबसाइट बनाते वक्त उसके बैकग्राउंड को डिज़ाइन करने में अगर आपको दिक्कत आती है तो उस केस में आप किस तरह का डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करोगे। सिंपली बॉडी में बैकग्राउंड कलर शार्प DDD और जो बैकग्राउंड का पेज होगा उसमें विड्थ 30%, हाइट अपने ज़रूरत के अनुसार, बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर टॉप 40 पिक्सल ग्रूव रेड, बॉर्डर बॉटम 40 पिक्सल रिज रेड, मार्जिन 0 ऑटो और बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल ग्रे। ऐसा करने से आपके बैकग्राउंड का डिज़ाइन पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जरा जानिए कि किसी ब्रांड नेम का हेडर कॉर्नर कैसे डिज़ाइन करते हैं। सिंपली बॉडी में बैकग्राउंड कलर वाइट, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और जो ब्रांड नेम वाला डिव एलिमेंट होगा जिसमें आपने ब्रांड नेम को राइट किया होगा उसका विड्थ 100%, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड में रेडियल ग्रेडियंट वाइट 80%, रेड येलो, फॉन्ट साइज 150 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली वरदाना, फॉन्ट वेट बोल्ड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 12 पिक्सल, शार्प 32 32 32। ऐसा करने से ब्रांड नेम का लुक ऐसा होगा और इस तरह का हेडर कॉर्नर डिज़ाइन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा जिसके पीछे डार्क ग्रे में शैडो दिखाई देगा। इसमें लोगो भी ऐड किया जा सकता है जिससे ब्रांड नेम का क्वालिटी और बेटर दिखाई देगा। अब जानिए कि आप अपने लोगो को वर्टिकली और हॉरिजेंटली कैसे उस तरह से सेंटर में रखेंगे जिससे सभी स्क्रीन साइज पे ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर में दिखाई दे। पहले तो IMG एलिमेंट को CSS में सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म में वैल्यू देंगे ट्रांसलेट -50% -50%। ये इसलिए दिया गया है ताकि सभी स्क्रीन साइज पे ये इमेज वर्टिकली और हॉरिजेंटली सही से सेंटर में दिखाई दे। अगर मैं रन करूंगा तो ध्यान से देखिए, ये सभी स्क्रीन साइज पे वर्टिकली और हॉरिजेंटली आपको सेंटर में दिखाई देगा। तो इसकी जगह आप किसी डिव एलिमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जानिए यहाँ पे टाइटल में आप इमेज को कैसे सेट करोगे। हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल के बाद आप लिंक टैग शुरू करोगे। रिलेशनशिप का वैल्यू होगा आइकन, HRF का वैल्यू डिफाइन करेंगे वो फोटो जो आपको यहाँ पे टाइटल में सेट करना है, और साइजेज में डिफाइन करेंगे किस साइज में आपको आइकन सेट करना है, 32x32, 128x128 या 16x16। ऐसा करने से आप देखो यहाँ पे CSS के बगल में फोटो सेट हो गया। अब ये जो आप इनपुट एलिमेंट में प्लेस होल्डर देख रहे हो इंटर फर्स्ट नेम हियर, अगर इसको कलर करना है तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। CSS में सिंपली आप सेलेक्ट कर लो इनपुट को और यहाँ पे दो कॉलन के साथ आप सेलेक्ट कर लो प्लेस होल्डर को। जनरली जब भी दो कॉलन के साथ कुछ राइट करते हैं CSS में तो उसे स्यूडो एलिमेंट कहा जाता है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पास कर दो कलर रेड। ऐसा करने से इनपुट एलिमेंट का प्लेस होल्डर ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। अब जानिए इनपुट एलिमेंट के अंदर आइकन्स को कैसे सेट करते हैं। आप सर्च कर लीजिए HTML एंटिटी और जो फर्स्ट लिंक अपीयर हो आप उस पर क्लिक कीजिए। ढेर सारा आइकन्स का लिस्ट आपको मिलेगा,
आप HTML सिंबल में जाओगे तो ढेर सारा सिंबल्स आपको मिल जाएगा। सपोज कीजिए कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करना है, तो जो इसका एंटिटी नंबर होगा आप उसको कॉपी करोगे और यहाँ पे प्लेस होल्डर में आप उसे पेस्ट कर दोगे। ऐसा करने से आपका आइकन इंसर्ट हो जाएगा प्लेस होल्डर के रूप में। मैं आपको रिकमेंड करूँगा वैप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, ताकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो सके। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।